हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेस क्लास वी विल कंटिन्यू विद अवर पार्ट 42 ऑफ मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कल जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो रीजनिंग का पार्ट 4 अपलोड किया था। आई होप आपने इस लेक्चर को देख लिया होगा। और इससे पहले जो मैथ्स की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज का उसका मैंने पार्ट 41 अपलोड किया था। तो आज हम करेंगे पार्ट 42। और पार्ट 42 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 42 इज, बाई एडिंग टू टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 9/11। आपको एक आ जा रहा है, अगर आप एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हो और उसके डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हो तो वो फ्रैक्शन आपका 9/11 हो जाता है। फिर आपको एक आ जा रहा है, थ्री इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब अगर आप न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हो तो ये फ्रैक्शन आपका 5/6 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शन की वैल्यू है क्या। तो देखो, कुछ एक्स और वाई लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शंस की हेल्प से। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या, 7/10। अगर मैं मान लेता हूं हमारा फ्रैक्शन 7/10 है, तो इसमें अगर मैं 2 ऐड करता हूं, मैंने 2 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, व्हाट वी विल हैव 9/12। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 9/11 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, 7/9। सेकेंड ऑप्शन इज 7/9। तो अगर हम 7/9 लेते हैं, 7/9, अगेन न्यूमरेटर में हम 2 ऐड करते हैं +2, डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं +2, तो ये आपका होता है 9/11। तो ये तो ठीक आ रहा है, ये आपका 9/11 के इक्वली आ रहा है। फिर आपको कहा जा रहा है थ्री इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 7/9 में 3 ऐड करते हैं, +3 +3, तो व्हाट वी विल हैव, 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10, 9 + 3 क्या हो जाएगा, 12। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12। और आप देख सकते हो ये आपका 5/6 के इक्वली आ रहा है। इसका मतलब जो राइट आंसर है आपका, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 7/9। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हैं। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो ऑफ मंथली सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रमेश फैमिली वॉज 5:3। कि रमेश की फैमिली का सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 5:3 है। द मंथ इन विच द इनकम ऑफ द फैमिली इज ₹72,000। अब आपको कहा जा रहा है जिस महीने में फैमिली की इनकम 72,000 है, उस मंथ की सेविंग क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये आपकी ऑप्शन है। तो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप देखो, आपसे पूछा जा रहा है सेविंग, और सेविंग क्या, रेशियो वैल्यू क्या, 5। और अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं तो ये हो जाएगा 5/8। 5/8 मंथली इनकम कितने, 72,000। तो आप 5/8 को 72,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45,000। दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक मेथड और है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, आप ऐसे समझो, टोटल रेशियो वैल्यू कितनी है, टोटल रेशियो वैल्यू 8 है, टोटल रेशियो वैल्यू 8 है, और मंथली इनकम कितने, 72,000। तो 8 रेशियो वैल्यू पर इनकम कितनी है, 72,000। तो 1 रेशियो वैल्यू पे इनकम कितनी हो जाएगी, 72,000/8, तो ये हो जाएगा 9,000। अब आप ये देखो कि जो जो सेविंग की रेशियो वैल्यू है वो है 5/5। तो अगर 1 में 9,000 है तो 5 रेशियो वैल्यू पर वैल्यू क्या होगी, 9,000 × 5, 9,000 × 5, अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एवरेज एज ऑफ 50% इज 45 ईयर्स। आपको कहा जा रहा है 50 लोगों की जो एवरेज एज है वो 45 ईयर्स है। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद, व्हाट विल बी देयर एवरेज एज। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, एवरेज एज देखो कितनी है, एवरेज एज 45 ईयर्स, तो आप लिखो 45। कितने साल के बाद पूछा जा रहा है, 10 साल के बाद, आप इसमें 10 ऐड कर दो, तो जो आपका आंसर, जो आपकी वैल्यू आएगी यही आपका आंसर होगा। यानी कि 10 साल के बाद इन पर्सन की जो एवरेज एज होगी वो कितनी होगी, 55 ईयर। दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज ₹119। एक शर्ट पर 15% डिस्काउंट देने के बाद जो कॉस्ट है वो कितनी है, 119। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट बिफोर द, तो डिस्काउंट देने से पहले इसका मार्क प्राइस क्या था। तो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, देखो 15% का मतलब क्या हो गया, 85%। 15% डिस्काउंट का मतलब भी मार्क प्राइस को हम 100% मान लेते हैं, तो 15% डिस्काउंट करने का था, 15% कम हो गया, यानी कि 85%। और ये किसके इक्वल है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, 119 के रूप इक्वल। अब आपको पूछा जा रहा है 100% की वैल्यू क्या होगी,
यानी कि मार्केट प्राइस। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 119 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 17 5 जा 85, 17 7 जा 119, 5 2 जा 10 0, तो ये आ जाएगा 140। यानी कि जो इस शर्ट का मार्केट प्राइस था बिफोर गिविंग डिस्काउंट कितना था, 140 रुपीज। दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। ओके सो गाइस, दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी क्लास मैं अपलोड करूंगा उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस अपलोड होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, ठीक है। और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।